Good afternoon, students. Today we will read about the chapter 1 from geography, India, size and location. In this video, we will discuss about the location, India's location. India lying entirely in the northern hemisphere. किसी भी कंट्री के लिए उसकी लोकेशन को पता कर लगाने के लिए सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना ही इनफ नहीं है. इसके लिए हमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, उनकी नॉलेज होना जरूरी है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करने के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे. These horizontal lines are called latitudes. These horizontal lines are called latitudes. 0 degree latitudes is called equator. That is, divides the world into two equal hemispheres. Firstly, northern hemisphere, 0 degree towards to north pole. This hemisphere is called northern hemisphere. And the second, 0 degree towards the south pole. These latitudes and the this hemisphere is called southern hemisphere. अब अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कंट्री या प्लेस की लोकेशन के लिए सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पता होना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज की, तो इसमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, चाइना आदि कंट्रीज भी लोकेटेड हैं. अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इसके लिए हमें इसकी एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल जो इसकी एक्सटेंट है वो पता होना चाहिए. तो द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 degree 4 minute नॉर्थ एंड 37 degree 6 minute नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 degree 7 minute ईस्ट एंड 97 degree 25 minute ईस्ट. यहां ये 0 degree है. इससे थोड़ा सा अगर हम ऊपर देखें, तो यहां जहां से हमारा ये इंडिया स्टार्ट होता है, यहां ये जो लेटिट्यूड है ये 8 degree 4 minute नॉर्थ लेटिट्यूड है. यहां से हमारी इंडिया की लोकेशन स्टार्ट होती है. ऊपर अगर हम देखें, 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेकर 37 degree 6 minute नॉर्थ तक इंडिया जो है एक्सटेंड है. ये तो हुई हमारी नॉर्दर्न लोकेशन. अब अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न या ईस्टर्न किस हेमिस्फीयर में है, अगर हमें इसका पता करना है, तो इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की नॉलेज होना भी जरूरी है. तो फर्स्टली अगर हम यहां देखें, 0 degree जो भी ये वर्टिकली लाइंस दी हुई हैं, ये वर्टिकली लाइंस जो है ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और 0 degree लॉन्गिट्यूड्स जो है वो प्राइम मेरिडियन है. दिस 0 degree लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. दैट इज डिवाइड्स द अर्थ और ग्लोब इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर. फर्स्टली वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो एक एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमारी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है. तो इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है.